कल मैंने जो है वो कुछ इनिशियल चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस किया था, हमने कुछ रिवाइज़ किए थे कॉन्सेप्ट्स जो हैं। तो आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में मैंने बताया था कि क्वांटम थ्योरी जो है उसको बेसिकली हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी जो है, अब ये कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है? एक तो नंबर वन के ऊपर क्वांटम थ्योरी कैन एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका बिहेवियर, अब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी हम पार्टिकल नेचर को भी डिस्कस करते हैं कि रेडिएशन जो है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। तो पार्टिकल नेचर जो रेडिएशन की है वो क्वांटम थ्योरी के अंदर आकर हम इस ड्यूबल आस्पेक्ट को जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये जो बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एज ए डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इनको हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट हैं, यानी कि अलहदा अलहदा से पैकेट्स हैं, कोई एक ही पैकेट नहीं है पूरा, डिफरेंट पैकेट्स हैं एनर्जी के। एंड द पार्टिकल्स ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल डोमिनेटेड बाय वेव प्रॉपर्टीज, स्मॉल स्केल। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि जब डी ब्रॉगली हाइपोथीसिस की बात करते हैं तो डी ब्रॉगली हाइपोथीसिस के अंदर जो डी ब्रॉगली वेव्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डोमिनेट करती हैं माइक्रो स्केल पे। आगे मैक्रो स्केल के ऊपर वो वेवलेंथ जो है वो डोमिनेटेड नहीं होती, आप उसको उस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल स्केल पे जाके, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर कि जो बिहेवियर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एज ए डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं ना क्लासिकल, लेकिन वहाँ पर आप इसको एज ए डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के तौर पर स्टडी नहीं करते होते, उधर तो हम सिंपल क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को स्टडी आए जहाँ पर क्वांटम आस्पेक्ट जो है वो नहीं आता। लेकिन जब आप क्वांटम आस्पेक्ट में जाकर उसको स्टडी करेंगे तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, रेडिएशन इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन जो है वो एनर्जी होती है, क्योंकि वेव क्या होती है, वेव का काम होता है एनर्जी पोजेस करना, एनर्जी को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी को ले कर जाना, ये वेव का काम है, ठीक है। तो ये अब जो है ये पैकेट्स को कंटेन कर रही है, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम कहते हैं कि जो वेव है एसोसिएटेड के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो एक जैसी है सारी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आके ये बात नहीं रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आके हम ये कहते हैं कि डिफरेंट एनर्जीज उसके साथ एसोसिएटेड है, एक एनर्जी नहीं है एसोसिएटेड, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ E1, E2, E3, E4, E5, E6 कितनी फॉर्म्स की एनर्जीज जो है डिस्क्रीट फॉर्म में उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। और वेव प्रॉपर्टीज कब डोमिनेट होती हैं, जब आप माइक्रो स्केल पे, जब आप मैक्रो स्केल के ऊपर है तो तब ना तो वहाँ पर डी ब्रॉगली हाइपोथीसिस लगता है और ना ही हम वहाँ पर वेव को जो है वो स्टडी कर सकते हैं उस तरह पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड जो है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी लाइफ है, जो आप ये ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे हैं इसके अंदर हम
ने कोई पोजीशन कैलकुलेट करनी है, किसी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसी सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी फिजिक्स यूज़ करते हैं? हम क्लासिकल फिजिक्स यूज़ करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं अभी सुबह जो पढ़ते हैं लेक्चर, वो आप क्लासिक। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। क्वांटम जो है वो इस्तेमाल होती है जाकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, जहाँ पर टोटली बिहेवियर जो है वो क्लासिकल से चेंज हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन ही था थोड़ा सा, अब मैं तो प्लांक हाइपोथीसिस के ऊपर, ये प्लांक जो है ना ये साइंटिस्ट का नाम है, इसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी क्वांटम मैकेनिक्स के आगाज में, ठीक है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम होता है, उसका एनर्जी होता है, और इसको आप मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, एग्जैक्टली निकाल लेते हो ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली आप मेजर क्या कर रहे होते हैं, आप फ्यूचर को मेजर कर रहे होते हैं, यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। आप जितने प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इतनी वेलोसिटी है, इसका इतनी एनर्जी है, तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, व्हाट इज दिस, यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में इस तरह होगा, फ्यूचर में उसकी इतनी वेलोसिटी होगी, फ्यूचर में वो इतने डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव कर रहा होगा, फ्यूचर में उसकी इतनी एनर्जी होगी, ये सारा क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आप इन चीज़ों को मेजर कर लेते हैं विद सर्टेनिटी, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है ना किसी चीज़ की, आपने एनर्जी मेजर करनी है तो कितनी निकलेगी, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, अब इसके अंदर कोई आपको शक व शुबा तो नहीं है, एरर तो हो सकता है मेजरमेंट का, वो तो एक वैसे एरर होता है, लेकिन ये कि हम एग्जैक्टली निकालते हैं, कोई प्रॉबिबिलिटी नहीं होती उसके अंदर कि भाई इसकी एनर्जी इतनी भी हो सकती है तो इसकी एनर्जी इतनी भी हो सकती है, ऐसे तो नहीं है ना, एग्जैक्ट ही निकलती है एनर्जी है जो आप निकालते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आकर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर आप जो है वो सर्टनटी के साथ कोई भी बात नहीं कह सकते, वो जैसे मैं कल तुम्हें बता रहा था कि हर चीज़ जो है वो पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल को स्टडी नहीं कर रहे, पार्टिकल के साथ जो लगी हुई वेव है आप उसको स्टडी कर, ठीक है, और वो वेव ना तो आपने माइक्रोस्कोप से देखी है ना आपको पता है उसका, नजर तो आती नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमने देखा नहीं देखा, ठीक है ना। अब लेकिन हम क्या करते हैं कि वो उसके साथ जो वेव के ट्रेसेस होते हैं उससे हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी मोशन के अंदर प्रोबेबिलिटी। तो आप क्वांटम लेवल के ऊपर जाकर ना तो एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर सकते हैं, ना आप एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, और ना ही आप एग्जैक्ट एनर्जी मेजर कर सकते हैं। ये अगर आप याद करें तो आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है वो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है दैट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी की फाउंडेशन के अंदर ये चीज़ भी आती है, ठीक है जी। अब ये जो मेजरमेंट्स आप लेते हैं ये तो परफेक्टली एक्यूरेट होती हैं। अब वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है, हमें इस बात का पता है, ठीक है, यानी कि ये हम अगर कोई वेव ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये मैंने कोई साइनोसाइडल वेव ड्रा किया तो इट हैज़ सम एम्पलीट्यूड दिस आई से ए, ठीक है, ये कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए के बराबर है। तो अब ये जो वेव है एक वेव वेक्टर जो है ये जो वेव प्रोपोगेट कर रही है इन द स्पेस, ठीक है, एक वेव है जो स्पेस के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये वेव जो है अगर इसको कहूँ कि मैं इसकी डायरेक्शन एक्स है प्रोपोगेशन की, एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट ये वेव जो है वो कर रही है। तो अब अगर मैं इस वेव को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन आई विल रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, सॉरी दिस वेव,
इसके लिए आपको वेव नंबर की जरूरत होगी, ठीक है। अब वो एक आपने पढ़ा हुआ ना वेव नंबर 2π/λ, ठीक है। लैम्डा इसमें वेव लेंथ है और 2π, 2π क्यों आता है यहां पर, वाई वन कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है। अब ये आप देख सकते हैं ना कि ये पूरा साइकिल यहां तक कंप्लीट कर रही है 2π। तो अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है इसकी प्रोपोगेशन, तो आपको जो है वो वेव नंबर या वेव वेक्टर जो है उसको यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर मसला ये है कि सबसे पहले नंबर पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर, पहला फर्स्ट पॉइंट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो पार्टिकल नेचर है रेडिएशन की उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाती क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो जब आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके कहीं पार्टिकल नेचर का तो जिक्र नहीं होता, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम ये कहते हैं जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं जो वेव के अंदर प्रोपोगेट कर रहे हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि नहीं कर सकती। अब इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, अगर इसको एक्सप्लेन करना है कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को देखने के लिए हमें इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर जो है उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। टू स्टडी द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वी हैव टू डिस्कस इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। तो इसको हम आम जबान में एक इसके लिए आम लफ्ज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एटम फील्ड इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं? एटम फील्ड इंट्रैक्शन, एटम फील्ड इंट्रैक्शन। अब इसको एटम फील्ड इंट्रैक्शन क्यों कहते हैं? रेडिएशन फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। रेडिएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। इसलिए इसको मैं कह रहा हूं फील्ड, और एटम एटम मैटर के अंदर है। क्या बात की है? इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, और उसको हम क्या कह रहे हैं? एटम फील्ड इंट्रैक्शन। यानी कि जब मैटर इंट्रैक्ट करता है फील्ड के साथ, तो इसका मतलब है कि जो फील्ड है वो एटम के साथ इंट्रैक्ट कर रहा है। रेडिएशन क्या? बेसिकली फील्ड ही है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो वो जब हम इंट्रैक्शन देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, अलहदा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह इंट्रैक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह मैटर के साथ इंट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर सकें, तो फिर पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वो फिनोमेना या वो प्रोसेस चाहिए जिसके अंदर एटम फील्ड इंट्रैक्शन आ रही हो, तब आप पार्टिकल नेचर किसी रेडिएशन की डिस्क्राइब कर सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन से फिनोमेना जो हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो तीन हैं। नंबर 1 फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। नंबर टू कॉम्प्टन इफेक्ट, और नंबर थ्री पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो तीन मेन प्रोसेसेस हैं इनकी मदद से आप इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर जो है इसी के अंदर आ जाता है। पेयर प्रोडक्शन का ही जो कन्वर्स प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। वो एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी इसी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो पेयर प्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जो मेनली डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इधर जो आपके कोर्स के अंदर है, वो एक तो हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा हम करेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन जो है ये आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर जो सेकंड ईयर की बुक है उसके अंदर उसने लिखा होगा इसके बारे में। ठीक है, जो चैप्टर है 19वां चैप्टर जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स उसके अंदर कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अभी पेयर प्रोडक्शन की डिटेल में जा, यहाँ पर हमने जो डिटेल में डिस्कस करने हैं वो पहले ये दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम मैं देखता हूँ फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो जहाँ पर लफज फोटो आ जाता है वहीं से जेहन में क्या आता है, लाइट। लाइट की बात जो है वो जेहन में आ जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक से जेहन में आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन चीज़ों से जो रिलेटेड है। अब ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर रेडिएशन इंट्रैक्ट करती है मैटर के साथ। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर रेडिएशन इंट्रैक्ट करे मैटर से, तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है इसमें कि आप लाइट को, ठीक है, रेडिएशन, लाइट भी नहीं हम कहते, लाइट तो विजिबल रीजन की होती है, हम कहते हैं रेडिएशन को, हम रेडिएशन जो है उसको किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करते। ठीक है जी, रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, तो उस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है, इनको इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है कि ये फोटो यानी कि रेडिएशन की वजह से निकले हैं उसके अंदर। अब ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बात बता दी है कि जी लाइट पड़ी मेटल सरफेस के ऊपर, मैं सिंपल अगर यहाँ पर कहूँ कि ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये रेडिएशन आई, इसके ऊपर फॉल हुई, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, ये रेडिएशन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैंने इंटरनल प्रोसेस नहीं बताया, सिर्फ इतना क्या है कि लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, और जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये रेडिएशन ही है ना, और मेटल सरफेस क्या है, मैटर, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना, तो इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस बेसिकली किस लिए हम यूज करते हैं, ये वो जब शुरू में क्वांटम थ्योरी डेवलप होनी शुरू हुई थी तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए गए थे, जिनको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्प्टन इफेक्ट का नाम, ये बार बार पढ़े हुए हैं, FSC में भी पढ़े हुए हैं, आपने आगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इनको पढ़ा हुआ है, ये वही कॉन्सेप्ट जो हमको हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि जो रेडिएशन है उसकी पार्टिकल नेचर, यानी कि अब मैं जब इसका इंटरनल प्रोसेस डिस्कस करूंगा,
तो उसके अंदर रेडिएशन को वेव के तौर पर नहीं लूंगा, उसके अंदर रेडिएशन को एज ए पार्टिकल के तौर पर लूंगा, कि वो पार्टिकल के तौर पर एक्ट कर रही है और उसके एक्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले हैं। तो द प्रोसेस इन विच द रेडिएशन इंट्रैक्ट्स विद द मैटर इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम जो है वो देते हैं, और ये बेसिकली ये फिनोमेना पार्टिकल नेचर जो है रेडिएशन की वो करता है। तो आप इसमें कर कह रहे हैं कि जो एक रेडिएशन है वो फॉल हो रही है मेटल सरफेस के ऊपर और मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं। तो व्हेन रेडिएशन फॉल्स on the metal surface electrons eject from that metal surface। तो electrons जो हैं वो इस metal surface के अंदर से eject होते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है ज़रा इसकी पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, कि ये किस तरह एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए जो सेटअप लगाया जाता है वो पहले देखें, तो मैं उसके लिए पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। आप देखें कि ये एक ट्यूब है आपके पास, ये ठीक है, एवैक्यूएटेड ट्यूब है। एवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब होता है कि एयर टाइट है, इसके अंदर एयर नहीं है, वैक्यूम है, इसके अंदर इवैक्यूएट किया भाई एयर को, इसके अंदर से आप निकाल दिया। अगर एयर को रखेंगे तो फिर एयर का इफेक्ट भी यहाँ पर इसके अंदर आ जाए। ठीक है जी। यहाँ पर ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक विंडो है जो कि क्वार्ट्ज की विंडो है। क्वार्ट्ज मटेरियल जो है उसकी विंडो है ये बनी हुई। ठीक है, यहां पर इस प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट है बेसिकली इसके ऊपर आपने, ये मेटल सरफेस है और इसके ऊपर लाइट को आपने फॉल करवाना है। ठीक है, यहाँ से ये सर्किट जा रहा है और इधर नेगेटिव पॉजिटिव दो बैटरियाँ लगी हुई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस जगह से ये एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि आपने डिटेक्ट करना है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट, और इसके साथ ये इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये,
तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है? रियोस्टेट, रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर, उसके अंदर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। वो हम किस लिए कर रहे हैं, हम इसकी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर उसको वेरी करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि कम या ज़्यादा करके रेजिस्टेंस जो है उसको देखना है। इसको यहाँ से इसके साथ आप मिला दें। अब इधर इसके साथ पैरेलल के अंदर एक यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब जाहिर बात है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, आपने बैटरीज लगाई हुई हैं, तो बैटरीज लगाने का मतलब ये है कि यू आर गिविंग द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो मेंटेन रहे। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कब लगाई जाती है, करंट फ्लो करती रहे, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मिलती रहे और करंट जो है वो फ्लो करती रहे। अब यहाँ से ये लाइट की बीम आएगी और इसके ऊपर फॉल करेगी या रेडिएशन आएगी, ठीक है। ये हमारे पास रेडिएशन है, इस ये इसके ऊपर फॉल करेगी, इसको हम कह देते हैं कि ये कोई ई मेटल सरफेस है। जब ये फॉल करेगी इसके ऊपर, तो यहां से करंट आई जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। इस पर जब रेडिएशन फॉल करेगी इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये रेडिएशन जब फॉल करेगी, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेटल सरफेस कैथोड है। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इसके अंदर से ये कैथोड नेगेटिव के ऊपर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का करेगा, तो इस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका ये जो पूरा सेटअप है ये डिटेक्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा और एम्पियर्स के अंदर करंट भी मैयर होगी। तो ये बताएगा जी भाई आपने जब इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो मेटल सरफेस पे फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स के उस मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू होगा। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो निकलने शुरू हो गए, ये तो हमने वो देख लिया। अब एक्चुअली इसकी वर्किंग होती किस तरह है, ठीक है, पहले अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और होता है जिसको हम कहते हैं थार्मोनिक मिशन, नाम सुना हुआ। थार्मोनिक मिशन होता है कि जब किसी मेटल को हीट करते हैं ना, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जो मेटल है उसको जब इनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप उसके ऊपर लाइट को फॉल कर रहे हैं या रेडिएशन को फॉल कर रहे हैं या उसको हीट दे रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द मेटल सरफेस, ठीक है। आप मेटल सरफेस को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एनर्जी जो है वो आगे से जाकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में इस्तेमाल, ठीक है जी। अच्छा, हैरा भी चाहते हैं इसकी डिटेल के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारे पास कोई भी सूटेबल वैल्यू, यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस के, हमें जो भी बैटरियाँ लगाई हुई हैं जितने भी वोल्ट के लिए, उसके लिए इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये सारा जो है इसको, ये जो बाहर मैंने बाउंड्री बनाई, इसको आप सी कह, ई और सी। अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन एमिटर ई, ये एमिटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे इस एमिटर के अंदर से,
एंड कलेक्टर सी, और ये कलेक्टर सी है, यानी कि इसको आप कह दें कि ये कलेक्टर सी जो है एनोड है और ई जो है वो कैथोड है, एनोड और कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी, उसके अंदर दो इन्वॉल्व होंगे, एक वी एक्सटर्नल प्लस वी सी पी डी। सी पी डी कहते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल है जो बैटरी से दे रहे हैं, एक इसके अंदर भी पैदा हो रहा है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जहां पर मेटल और रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है वहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है रेडिएशन को निकालने के लिए। अब यहां पर मैं पहले एक ग्राफ जो है उसको प्लॉट करता हूं। इस तरफ वी है पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरफ आई है, इसको कह लें नेगेटिव, तो ये एक कर्व आएगा और ये दूसरा कर्व आएगा, इसको आप कह लें ये कर्व ए है ये कर्व बी है। ये करंट और वोल्टेज के दरमियान में, यानी कि आप जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ करंट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान है, इस एमिटर ई और इस सी के दरमियान, ठीक है, इनके दरमियान में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहना चाहिए इसको, जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो वी एक्सटर्नल है वो तो आपने बैटरी से अप्लाई किया, जो बैटरी से आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं ताकि जो है वो इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करती है। अब ये कर्व जो है यहाँ पर, ये वाला या ये वाला, इस कर्व में आप देखें तो करंट जो है वो हमें फंक्शन नजर आ रही है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, फंक्शन है ना, फंक्शन का मतलब है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस, आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द करंट इज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, कि करंट जो है वो फंक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस वी का। अब आप देखें कि यहां तक आके करंट सैचुरेट हो रही है, ठीक है, इसके बाद अगर मजीद इस कर्व को बढ़ाएं तो ये सीधा ही आगे चला जाएगा। सैचुरेट का मतलब अब इससे ज्यादा इसमें इजाफा नहीं हो सकता, यानी कि आप जब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर वोल्टेज को ले गए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जाकर करंट क्या कर रही है, वो सैचुरेट हो रही है, ठीक है। तो फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेज वी या पोटेंशियल डिफरेंस वी, जो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रीचेस
टू द सैचुरेशन वैल्यू, तो ये सैचुरेशन वैल्यू जो है उस तक जा रही है। और ये कब होगी आपको टेन, जब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो एमिटर में से निकल गए हैं और सारे के सारे कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए। अब भाई इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, भाई जितने थे निकल गए उसके अंदर, ठीक है, आप इससे ज़्यादा तो आप करंट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर ये तो आप बढ़ाते जा रहे हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करें और रिवर्स कर दें, अभी तो हम ये कह रहे हैं बैटरी लगाई नेगेटिव पॉजिटिव तो चला रहे हैं तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे निकल गए और निकलने के बाद सैचुरेशन वैल्यू आ गई, उसके बाद मजीद करंट जो है वो आप बढ़ नहीं सकती। अब आप रिवर्स कर दें, यानी कि अब बढ़ाने की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बैटरी की पोलैरिटीज हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब बैटरी की पोलैरिटीज आप रिवर्स कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि एनोड और कैथोड की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसकी जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव के सामने पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन के सामने एनोड नहीं है पॉजिटिव पे, उसके सामने नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब उसके सामने नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करते हैं, वो तो रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर एक पोटेंशियल का बैरियर जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसको कि हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज गिवन द नेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मसला क्या हो रहा है, अब मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जब आपने बैटरीज की पोलैरिटीज को रिवर्स किया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली हैविंग काइनेटिक एनर्जीज, उनके काइनेटिक एनर्जीज हैं। अब वो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे हैं वो इतनी इनफ नहीं है कि वो उस पोटेंशियल के बैरियर को जो रिपल्शन की वजह से पैदा हुआ है उसको कवर अप कर सकें, उसको फैलांग सकें, उसको फैलांग कर तो आगे किसकी तरफ चले जाएं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इतनी नहीं है कैनेटिक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो उनको ब्लॉक कर देगा। लेकिन इनमें से कुछ शरारती इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, ठीक है ना, कई बंदे होते हैं उनको थोड़ी रोटी भी खा कर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि ज़्यादा खा कर भी उनके अंदर एनर्जी नहीं आई है, ठीक है, तो वो जो है वो जब आगे आया उसके ब्लॉक बने, ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे कि वो थोड़े से भी चल जाते थे, उन्होंने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली कि वो इसको भी फैलांग गए और इस बैरियर को फैलांग कर, इसको हम कहते हैं रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट वाला जो है, ये आपने जब सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा तो उसमें भी इसको स्टडी, ठीक है, तो कोई बड़ी थोड़ी मकदार में वो जो शरारती इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से एक रिवर्स करंट जो है वो भी फ्लो करती है, यानी कि इवन के पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर डिवेलप हो रहा है लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिवर्स करंट उधर थोड़ी मकदार में प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात यहां पर आ गई कि हमने बैटरी की पोलैरिटीज जो है वो रिवर्स की, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको डिक्रीज करना शुरू जो है वो कर दिया। अच्छा, इफ वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को रिड्यूस करें एंड रिवर्स इट, और इसको रिवर्स करें, ठीक है, जरा काम करेंगे तो रिवर्स ही होगा, तो द फोटो
इलेक्ट्रिक करंट, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है डज नॉट फॉल टू जीरो वैल्यू इमीडिएटली, लेकिन फौरन इसकी वैल्यू इमीडिएटली आ गई। अच्छा, फौरन इसकी वैल्यू इमीडिएटली जो है वो जीरो नहीं हो जाएगी ड्यू टू नॉन जीरो स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इसको यहीं पर हम रोकते हैं। हाँ जी।